किचन दिखाना चाहता हूँ। पंचतरणी से कुछ किलोमीटर पहले है, 3 किलोमीटर। तो ऐसा व्यू है, आप देख सकते हो पानी की जो झीलम नदी है ना, इसकी फ्लो जो चल रहा है काफ़ी ज़्यादा है, और नीचे ग्लेशियर लगे हुए हैं। और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे, मतलब पूरी थकान बाहर निकल गई है, इतनी अच्छी हवा चल रही है एकदम। और मैंने यहाँ पे अपना बैग रख दिया, और जो मेरे साथ के कुछ लड़के हैं यूपी के, वो अभी आ रहे हैं, पीछे रह गए हो, तो मैंने जल्दी जल्दी ट्रैक कर लिया था, तो मैं अभी अकेला हो गया हूँ। और अभी ऊपर सनराइज़ अभी भी है माउंटेन में, इवनिंग होने वाली है, अराउंड 4 o'clock हो चुके हैं, इवनिंग PM, 4 PM। और सामने जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये है पंचतरणी, और यहाँ से 6 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू होगी अमरनाथ केव, और वहाँ से बालटाल के रूट से संगम से बालटाल एग्ज़िट हो जाएंगे, देन उसके बाद कश्मीर, कश्मीर की लोकल ट्रेन है जो चलती है कश्मीर से, श्रीनगर से बनिहाल तक, तो अराउंड उसका फेयर है 20-25 रुपये, तो ऐसा है। और ये व्यू सच में बहुत खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये व्यू, और मैं आपको 360 व्यू कराता हूँ यहाँ का कैसा है। आई होप सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना, काफ़ी एफर्ट लगा यहाँ पे चढ़ने में, शुरुआत में तो बहुत टफ था, तो अब थोड़ा बहुत MG जो MG है ना, जहाँ से वहाँ से बहुत डाउन साइड है, तो ये पूरा डाउन साइड ही आ रहा है पीछे से, और मैं आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, बहुत हवा चल रही है, ये ID कार्ड भी अमरनाथ शरण का अभी उड़ रहा है, तो ये आधार कार्ड से हो जाता है लिंक, जैसे वैष्णो देवी में RFID कार्ड बोलते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप यहाँ आके भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करना होगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं है, उस रजिस्ट्रेशन के बेस में ही आपको ये RFID कार्ड मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अभी लोग चल रहे हैं, तो मेरे फ्रेंड लोग आएंगे अभी, तो मैं उनके साथ चलूँगा, तो अभी वो आ रहे हैं पीछे से, और मैं आपको वादियाँ दिखाते जा रहा हूँ कश्मीर की, श्रीनगर की, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ के लोग भी मुझे मतलब काफ़ी अच्छे लगे, पर उनका अभी भी माइंडसेट ये है कि हमें कश्मीर आज़ाद चाहिए, वो हमेशा यही बोल रहे हैं, काफ़ी कट्टर हैं, मतलब मर जाएंगे पर इन्हें कश्मीर आज़ाद चाहिए, मतलब वो ये कहते हैं कि आपको पता ही है कहानी क्या है कश्मीर की, कि पाकिस्तानी काफ़ी रेप करते थे इस कश्मीर के, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने इंडियन आर्मी से मदद मांगी थी, देन आर्मी ने मदद करके अपना कब्ज़ा लिया वहाँ पे, और उससे बोलते हैं इंडियन कश्मीर, और बाद में ये इनका PM हुआ करता था कश्मीर का, कश्मीर एक अलग ही कंट्री था, तो बाद में उसका महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर है वो रही थी, स्टेट हुआ था, फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं हमें आज़ाद कर दो, और इनका कहानी भी काफ़ी दुख भरी है कश्मीरियों की, श्रीनगर की, ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा रातों रात इनका सिम बंद कर दिया था, और नेक्स्ट डे पूरी आर्मी और डिफेंस को डिप्लॉय कर दिया, CRPF, BSF, SSB, ITBP, आर्मी, तो इन्होंने बोला एकदम लॉकडाउन नाकाबंदी जैसा कर दिया था, तो ये काफ़ी सुन के अच्छा नहीं लगा, बट ये रियलिटी है, और ये मैं अपने यूट्यूब ब्लॉग में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने पहलगाम में जो होटल में रुका था वहाँ के लोगों ने बताया था, तो वो कहते हैं कि हम रह के भी आज़ाद नहीं हैं, उनका ये कहना है यहाँ पे कि वो इंडिया के कश्मीर पे रह के भी खुश नहीं है, बट मैंने उनसे पूछा था आपको कौन सा कश्मीर अच्छा लगता है, पाकिस्तान का कश्मीर अच्छा लगता है या फिर इंडिया का, तो कहते हैं इंडिया का कश्मीर काफ़ी जन्नत है, तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें आज़ाद चाहिए, हमें नहीं चाहिए इंडिया, इंडियन आर्मी नहीं चाहिए, हमें इंडिया नहीं चाहिए, और तब हमारे मोदी जी यहाँ का खनिज जो होता है, खनिज लोहा नहीं, जो इनका खनिज असली होता है, अखरोट, ड्राई फ्रूट, किशमिश, पिस्ता, बादाम और आलमंड, ये सब चीज़ें जो है ना, काजू वाजू, तो ये इनका खरीद के बाहर इंडिया पे बेच रहे हैं, मतलब इंडिया में, मतलब अपने जो कहते हैं नीचे का हरियाणा, हिमाचल से नीचे, पंजाब से नीचे, तो वहाँ से पूरा ऑल इंडिया, बट ये लोग कहते हैं यहाँ से सस्ते में लेके वहाँ बेच रहे हैं, जो इनके लिए खनिज है, जैसे सोना, जैसे अरब का तेल, तो ये इनके लिए काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं, कश्मीर के ड्राई फ्रूट, तो हाँ आ रहा हूँ, तो इनका ये कहना है, काफ़ी दुख भरी कहानी इनकी भी है, सुन के मुझे भी थोड़ा सा अफसोस सा लगा, बट मैंने कहा कि इंडिया के साथ रहोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगी, यहाँ की हेल्प मिलेगी, अभी BJP है तो कांग्रेस में और अच्छा आपको मिलेगा,
बट इनका ये इनका माइंडसेट यही है कि इनको कश्मीर आज़ाद चाहिए, इनको नहीं चाहिए इंडिया, इनको नहीं चाहिए डिफेंस, इनको नहीं चाहिए आर्मी, ये अपना चाह रहे हैं, इनको अपना चाहिए, बस इनको अलग कर दो, ये चाहते हैं हमको अलग कर दो, ना हम पाकिस्तान के ना इंडिया के। सो गवर्नमेंट आप लोग कमेंट करके बताना ये कैसा है। बट मैंने जो असली मुख्यवाणी है जो मैंने सुनी इनसे रियल लाइफ का, वो सच में बहुत मतलब ऑकवर्ड सा लगा मुझे ये सुन के, मतलब काफ़ी। बट इनकी वादियाँ बहुत खूबसूरत है ऐसा आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी अच्छा सा व्यू है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो ये मेरे फ्रेंड लोग हैं यहाँ पे, तो अभी इनके पास चलते हैं ज़रा, तो मैं बैग लेके चलता हूँ इनके साथ। तो ये भी अलग अलग स्टेट से है, कोई गुजरात से है, कोई यूपी से है, और मैं उत्तराखंड से, तो इनका भी सुन लेते हैं क्या है कहना। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, आप भी आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी हवाएं चल रही है। तो अब अमरनाथ का बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं कल सुबह, बहुत एक्साइटमेंट है, कैसे होगा फिर के बच्चे का। इनका कहना है इनको थकान नहीं लगी। जय बोले की जय बोले। कैसा रहा सफ़र? बहुत बढ़िया, आरामदायक सफ़र, मौसम ने यहाँ तक सफ़र 70% कंप्लीट हो चुका है। अब 6 किलोमीटर कल सुबह का बसता है पंचतरनी से केव के लिए। मौसम ने बहुत बढ़िया साथ दिया हमारा। हाँ, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया, धूप भी रही अच्छी, बॉडी गर्म भी रही और ठंडी भी हो गई अभी थकान भी सारा निकल चुका है। ठीक है, मौसम ने काफ़ी साथ दिया, बारिश भी नहीं हुई, नहीं तो बहुत मुसीबत होती है। जैसे केदारनाथ में तो आपको पता है मेरे ब्लॉग में, कभी भी सिमेंटेनियसली क्लाइमेट चेंज हो जाता है वेदर, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर धूप आप देख पा रहे होंगे कैसा है, और एवरग्रीन है, काफ़ी है साफ सुथरा। एक बोर्ड मैं आपको दिखा लेता हूँ यहाँ से कैसा है, कितने फुट में क्या क्या है यहाँ पर, ये आप भी देख लीजिए। वाटर साउंड, वाटरफॉल का काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है यहाँ पे पीछे। अब यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है, ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, ये पहला अनुभव था, काफ़ी अच्छा था अनुभव। वहाँ पे व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, सिमरन तो अपने सिमरन को बने रहिए माइल्स ऑन स्टेप के साथ। अब असली असली दर्शन कल होंगे बाबा बर्फानी के। सो आशा करता हूँ आप बने रह रहे होंगे मेरे साथ चैनल में, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रह रहे होंगे, अपकमिंग वीडियो आती रहेगी। और अभी टाइम बचता है तो थोड़ा वैष्णो देवी को भी शूट करना है, पर वहाँ पे अभी आतंकी हमले हुए हैं, कुछ उत्तराखंड के जवान, हमारे स्टेट के जवान भी गए हैं इंडियन आर्मी के, जिनकी जान गई है। सेफ्टी तो नहीं है, अनंतनाग में काफ़ी सिक्योरिटी लगी हुई यार, हर जगह पे BSF CRPF है काफ़ी। ये जो ब्लास्ट हुआ था ना, मतलब जो अटैक हुए थे उसके बाद, थोड़ा वैष्णो देवी को स्किप कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं करूँगा कवर, गारंटी नहीं दे सकता, बट आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू गेट ब्लेसिंग ऑफ बाबा बर्फानी एंड वैष्णो देवी माता, जाऊँगा। और काफ़ी अच्छी हवा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप भी आना ऐसे ही, इस टाइम पे काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा 360 व्यू, काफ़ी अच्छा है। जय बाबा बर्फानी। बस अभी थोड़ा थकान सी लगी थी चढ़ाई में, अब काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। और शादी का खाना, इनका खाना भंडारा ऐसा था कि जैसे शादी हो रही हो, इडली डोसा पाव भाजी
बस इतना सब कुछ मिलने लगा यहाँ पे। मिठाइयाँ 6 प्रकार की मिठाइयाँ थी, बूंदी की, बेसन की, और दूसरी एक और मिठाई थी बर्फ़ी जिसे हम बोलते हैं, और जूस था, और छोले पराठे और कुलचे एंड छोले भटूरे, हाँ राइट, और अचार वचार और सैलेड। काफ़ी कश्मीरी सैलेड अलग ही टाइप के होते हैं, आई डोंट नो आपने टेस्ट किया होगा कि नहीं, जिन्होंने टेस्ट किया होगा उनको पता होगा कैसे होता है सैलेड, काफ़ी अच्छा सा होता है, मतलब काफ़ी आउटस्टैंडिंग था, ऐसा शादियों में होता है। और ये शरण बोर्ड ने काफ़ी अच्छा डेकोरेम और काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस बना के रखा, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी, और मुझे खा के बहुत अच्छा लगा और पूरी भूखी मिट गई। अब खाने का कुछ मन नहीं है, अब बस आराम करना है, कल सुबह अमरनाथ केव के लिए चलना है। अभी रखता हूँ मैं, तो थोड़ा फोटोशूट कर लेते हैं और देखते हैं तब आगे का सफ़र कैसा है। अब अगली वीडियो आपकी अमरनाथ केव की होगी, क्योंकि अब काफ़ी हम कर चुके हैं। तब तक के लिए बने रहिए माइल्स ऑन स्टेप्स के साथ, टेक केयर, बाय बाय।